देखिए आज जो है हम आज ऑपरेशन है, 5 साल का बच्चा है, फीमेल है, उसका फीमर है, फीमर में स्टील लगा है, वो आज रिमूव होगा क्योंकि उसका 1 साल डेट खुल गया है। वही फीमर में जो स्टील लगा है, तो स्टील को रिमूव करने के लिए ये सब इंस्ट्रूमेंट है। आगे देखेंगे इसी सब इंस्ट्रूमेंट से जो है फीमर को, फीमर में जो स्टील लगा है उसको रिमूव किया जाता है। जरा है बस इतना इंस्ट्रूमेंट है, इतना इंस्ट्रूमेंट से रूम हो जाएगा। 5 साल का बच्चा है और उसका जो है फीमर जो है थाई का जांग का जो हड्डी होता है उसमें स्टील लगा हुआ है, वो 1 साल पहले टूटा हुआ था, तो अब ये स्टील लगाया तो पूरा एकदम फिनिश हो गया, पूरा जुट गया है। इसलिए आज जो है 1 साल के बाद उसको स्टील आज निकालेंगे, हम सर निकालेंगे हम नहीं। और ये सब इंस्ट्रूमेंट है तो हम सब तैयार कर देते हैं। चलिए आइए, इस सबको क्लीन कर दिए हैं। और ये द्रव है इसमें डाल देते हैं, ये किडनी ट्रे हो गया, ऐसे करके सबको डाल देना है हमको, ऑपरेशन होने वाला है। इसी तरह ये सबको बस इतना इंस्ट्रूमेंट से फीमर का जो स्टील लगा हुआ है वो रिमूव हो जाता है। इसमें क्या है, हम तो ये पहले खोल के रखे हैं, जब इसमें इंस्ट्रूमेंट दीजिएगा तो इसको खोलना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं खोलिएगा ऐसे लगा ही रहेगा, ऐसे अगर लगा रहेगा तब जाके इसको स्टरलाइज कीजिएगा तो फिर स्टरलाइज नहीं हुआ, तब अनस्टरलाइज हुआ, इसलिए इसको खोल कर रखना पड़ता है। ऐसे ओपन की, अब ये ओपन है, अब ये स्टरलाइज के लिए क्लियर है, अब स्टरलाइज डालेंगे। इसको भी क्लीन करना पड़ता है, पहले किए हैं ये गर्म को, उसके बाद बाहर से भी क्लीन किए। चलिए इंस्ट्रूमेंट का तो हो गया, इसको ऐसे लगा के यहाँ पर रख देते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट हो गया। अब ये बोन पर यहाँ पर देखिए, ये कुछ बोन बना हुआ है, ये सीट है ग्रीन सीट, जो 4 सीट है, और हम दे देते हैं, देखिए ये एक सीट को चपटने के लिए जिसको पैक किया रहता है वो रहता है। यह ग्रीन सीट का काम होता है, जहाँ ऑपरेशन होता है उस एरिया को छोड़ कर बाकी ऑपरेशन जो है वो उसके जो पेशेंट का ऑपरेशन होता है उसका पूरा एरिया को, बॉडी को ढांक दिया जाता है, मात्र ऑपरेशन एरिया छोड़ के बाकी पूरा एरिया को ढांक दिया जाता है। ये इसी तरीका से चपका रहता है इसको ग्रीन सीट को। अब इसको ऐसे करके इसको मोड़ देना है, ऐसे ऐसे करके, ये ढीला नहीं होना, ये टाइट से मोड़ना है, ये पूरा टाइट ऐसे, ताकि दिखने में भी सुंदर लगे। अब इसको ये हो गया सीट ग्रीन सीट, अब इसको इसमें डाल देते हैं, ये 5 सीट हो गया है, 4 सीट इसी तरह से ये पैक किया हुआ था और 1 सीट अभी पैक कर दिया। अब करते हैं बोन, जो सर ऑपरेशन करते हैं वो ये बोन को पहन के ऑपरेशन करते हैं, ये उल्टा है इसको सीधा करके चप्पल फिट होता है। देखिए कि गोंद को कैसे चपका जाता है, ये देखिए बढ़िया जो सच को ऐसे करके फिर कुर्ता को से ऐसे ही इसी तरह से चपका जाता है कुर्ता को, ये गोन है ऐसे करके यहाँ रखना, ये दोनों गीला होना चाहिए और ये पूरा इधर से क्लियर होना चाहिए, कहीं ढोंचा हुआ नहीं होना चाहिए, ये पूरा हो गया। अब ये दोनों पकड़ के ऐसे करके ये पलटा लें, ठीक, तो ये पलट गया,
अब इसको ऐसे करके पता चला, ठीक ये कट गया है। इसको देख लेना है कि कहीं तेरह महीना हो गया, पूरा स्थिर बराबर है या नहीं, ऐसे हो गया है थोड़ी में चेक कर लेना है। चलिए ठीक है, अब क्या करना है, ये लेकर ऐसे लगाना है फिर, अब ये जो बच गया है इसको भी यहाँ से ज़्यादा चौड़ा हो गया है, इसलिए यहाँ से हमको क्या करना है, थोड़ा छोटा कर देना है इसमें बोलकर, ठीक हो गया है। अब इसको शुरू करेगा यहाँ मोड़ में, ऐसे करते हुए धीरे धीरे मोड़ के चले जाना, ऐसे कर। अब ये सब जो आ रहा है एक इधर छोड़ देना है, ठीक एक ये छोड़ देना है बांधने के लिए, बाद में हम बताएंगे। देखिए ऐसे ही मोड़ा रहता है, अंदर डाल दीजिएगा, इसको भी डाल दें, ये दोनों है, ये दोनों हेलो बांध देंगे। हाँ बोल, हाँ देखिए बांध देंगे, हाँ आइली हो से, हाँ हम कब नहीं आए, को काम पूरा लिया तब यहाँ स्थिर से जना हो तो ना करी लिए हमें, ठीक है काम हम पूरा लिए तब यह सुस्ता, हाँ कखनो तो जना होते ना करब आर की, छः नंबर मत लगले वैसे अभी ये सीट और बोर्ड रेडी हो गया, अब आइए दिखाते हैं कहने अच्छे 8 बजे का टाइम। यह है स्पंज, इसको स्पंज है और ये इसमें से एक निकाल लेना है ये स्पंज को, इसे भी स्टरलाइज में डाल देंगे। ये स्पॉन्ज को इसलिए देते हैं जब ऑपरेशन टाइम जब उसको चीरा लगता है तो वो जब ब्लड निकलता है तो उस ब्लड को क्लीन करने के लिए इसे रख के सुखाया जाता है ताकि इसमें ब्लड क्लीन हो जाए और वहाँ के एरिया साफ़ हो जाए, बढ़िया से ऑपरेशन वो कर सके। उसके बाद उसको बैंडेज दिया जाता है पैक करने, बैंडेज करने के लिए 4 इंची का एक डाल देते हैं, इन्हें ये 6 इंची है, 4 इंची इधर होगा। यह है ड्रेसिंग एरिया, देखिए 4 इंच ये है, एक ही है, इसको एक ही देना हमको क्योंकि एक से ही काम हो जाएगा, ऐसे एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं, एक और ले आते हैं। ये दो दे देते हैं मिला के, एक्स्ट्रा दे देते हैं कहीं बाई चांस अगर करते वक्त ये नीचे मुझे गिर गया कहीं फ्रैक्चर हो जाएगा तो फिर अगर एक्स्ट्रा पीस रहेगा तो इससे भी एक्स्ट्रा लाइन बनाते हैं, इसलिए तो हम ये इससे यूज कर लेंगे या तो फिर एक्स्ट्रा लाइन करना पड़ेगा। चलिए पूरा पैक हो गया, हाइड्रोलिक सीट और गोंद, ये फोन, ये बैंडेड, सबका प्रक्रिया बता दी आपको, और इसको ऐसे लगा लेना है, ऐसे भी ये ओपन रखना जैसे देखिए अभी ओपन ही है, जैसे ये है ना इसी के अंदर जैसे अभी क्लोज हो गया, क्लोज रख के अगर अंडरस्टैंड कीजिएगा स्टरलाइज कीजिएगा तो अनस्टरलाइज ही रह जाएगा, इसलिए इसको ओपन रहना पड़ेगा ताकि इधर से जाएगा और तब इसे क्लोज कर देना है। अब ये दोनों रेडी है स्टरलाइज के लिए, लेकिन यहाँ क्या है इसको गोन से सीट से बांधना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हम सीट रखते हैं सीट से बांध देते हैं और यहाँ पर डबल सीट से बड़ा सीट एक है, दो सीट से बांधते हैं ताकि एक जो अंदर वाला सीट रहेगा
वेस्टर्नलाइन है, जिसको हम लोग जब पकड़ के निकालेंगे अभी बता रहे हैं आपको। हाँ हेलो, हाँ की कहे शुरू कर लगो फिर आप क्या करते हैं ना, अभी कहाँ करने जाए ला नहीं छी ना। देखिए कौन भी और ये जो है एक ही बात है अभी ये एक है, इसको डबल किया जाता है। इसलिए डबल करते हैं क्योंकि हम लोग जब स्टरलाइज करेंगे इसको ऑटो कलर में डाल के हम ये ऊपर वाला पकड़ेंगे तो ये इन्फेक्टेड हो जाएगा हमसे, लेकिन ये टोरी वाला नहीं पकड़ेगा तो ये स्टरलाइज ही रहेगा, इसलिए डबल करके देते हैं। ये भी स्टरलाइज रहेगा इसके अंदर वाला, इसलिए ये सुरक्षित काफ़ी रहेगा। बैक्टीरिया इसके अंदर हम लोग वगैरह जो भी होता है वो अंदर नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग यहाँ डबल सीट से बांध देते हैं। तो ये गोल वाला हो गया रेडी है, अब ये इंस्ट्रूमेंट कर रहा है उसको भी डबल से बांधना है। इसको भी डबल से बंद देना है, लेकिन बांधने से ध्यान दीजिएगा ये ओपन होना चाहिए, दिखना चाहिए क्लोज नहीं, ये वेस्टर लाइट का कोई मतलब ही नहीं है। फिर देखिए इसको भी बंद देते हैं प्रॉपर, बांध दिए एक और एक से और मान लेंगे ताकि इसको पकड़ेंगे, पकड़ के जब निकालेंगे ऑटो कलर से तो यही ना इन्फेक्टेड होगा मेरे हाथों से, तो मेरा हाथ तो स्टेरलाइज रहेगा। चलिए दोनों रेडी हो गया, आइए चलता। ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा, ये गोन है और ये स्टूडेंट है, लेकिन ये है ऑटो कलर उसी में हम अभी डालेंगे, इसको पहले पहले इसको ऑपरेट करते हैं, ये लगा हुआ रहता है, ये खुल चुका है, इसको ऐसे वहाँ दाबेंगे इस पर और यहाँ ये इसमें देख देखिए इसमें पानी चेक कर लेना है जिसमें पानी रहता है इसके जो ये है, ये देखिए ऐसा रहेगा हरे ऑटो कलर में ऐसे रहेगा, इसके ऊपर पानी होना चाहिए, इसमें हम लोग बिस्लरी पानी डालते हैं, मेरे कुछ यहाँ रखे हैं, इसमें देखना है कम है वो क्या, अगर कम है तो उसमें डाल देना है,
देखिए हो गया है, इसके ऊपर जो दिखाए थे उसके ऊपर पानी आ गया है, अच्छे से होना चाहिए। और इसमें आपको पहले एस्टोमिन को डालना है, एस्टोमिन डाल देंगे, अगर पहले गोंद डाल देंगे तो जो पानी जाएगा इसके अंदर वो भीग जाएगा कपड़ा, इसलिए वो नहीं भीगे गोंद और सीट, इसलिए एस्टोमिन को पहले डालेंगे तो एस्टोमिन ठीक भीग जाएगा। धीरे से पकड़े और इसमें से करके धीरे धीरे क्या करना डाल चला गया अंदर एस्टोमिन का। अब ये गोंद गोंद के वैसे करके धीरे धीरे डाल, ये दोनों चला गया। अब इसको इसे इधर लगा, देख ऐसे कीजिएगा तो नहीं आएगा, थक जाता है, ये थक जाता है, इसलिए यहाँ दिया जाता है, यहाँ दाबिएगा ये फ्लेवर उठ जाएगा। और इसको आराम से ऐसे करके ऐसे रख दीजिएगा, उसके बाद ऐसे घुमा कर इसको लगा देते दिखाइए तो ये देखिए ये सब छेद है, ठीक है, ये अंदर जाने वाला छेद है, इसमें देखिएगा बराबर गया या नहीं, ये बराबर जाना चाहिए, ऐसे लगा दीजिएगा। अब इसमें चला गया, इसको टाइट होना चाहिए, बढ़िया से लगना चाहिए, तब ये सीटी देगा। चलिए टाइट हो गया, और ये है सीटी देने वाला, इसको क्लोज कर देना है, बंद कर देना है, नहीं तो इतनी सब सीटी निकल ही जाएगा, फिर लगेगा कैसे। ये हो गया ऑटो कैलिब्रेटरी, अब इसमें इसको क्या करते हैं लगा देते हैं, ये देखिए ये लगा दिए हैं, अब यहाँ चालू कर लेते हैं। देखिए आपको सुसियाने का आवाज़ आता होगा क्योंकि इसमें लाइन आ गया है, सुसियाने का आवाज़ आ रहा है, आ रहा है ना। अब ये सीटी मारेगा, देखिए इसमें जो वोल्टेज है 3 सीटी में ये 20 पर पहुंचना चाहिए, ये जो 20 है ना ये काटा 20 पर आना चाहिए, जब ये 20 पर आ जाएगा 20 के अंदर जब तक चाहे 3 सीटी 4 सीटी जितना सीटी मार देना चाहिए, लेकिन ये काटा एवरेज 20 पर आना चाहिए, तब ये जो स्टेलाइज हो रहा है ये ऑटो कलैप पूरा तब के एकदम फाइनल हो जाएगा तब, इसलिए 20 पर आना चाहिए तब ऑटो कलैप रेडी हो जाएगा। चलिए अभी तो कहीं स्टेलाइज का पूरा हो गया है, चलिए धन्यवाद, इसी तरह वीडियो मेरा देखते रहिए, ओटी एंड नर्सिंग नॉलेज नीतीश सर के चैनल पर ऐसे ऐसे आपको वीडियो मिलते रहेगा, और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको ऐसी ऐसी वीडियो मिस ना हो।